गठबंधन के बने, फिर गठबंधन के प्रधानमंत्री बने। मतलब कोई चेहरा अभी तय क्यों करना, चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। यूपी में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है? समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी गठबंधन हो जाएगा, जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है। बहुत अच्छी तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश जी, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, क्या कोई रजामंदी बनेगी आखिर तक? कांग्रेस जितनी सीटें लेना चाहे, लेकिन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। और हमारी कोशिश होगी गठबंधन की कि आपस में तय करके इतने मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएं, जिससे भाजपा जो तैयारी कर रही है 60% पाने के लिए, वो इस कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी के पढ़ने वाला वोट 60% उन्हें मिल जाए। तो उन्हें रोकने के लिए समाजवादी पार्टी या गठबंधन मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, जिससे कि उनके समीकरण का मुकाबला कर सके। देखिए, हम तो उन्हें, अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है जो रंग बदलने वाली बात, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा, जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। किसका दबाव है? किसका ये तो मुझे भी नहीं पता, आप भी पता करो। अगर मुझे पता होता तो मैं बोल देता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है, संविधान कैसे बचे, संविधान की रक्षा कैसे हो, जब देश में वो लड़ाई छिड़ी हुई है, और उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से तमाम लोकसभा की सीटें जीती हो बहुजन समाज पार्टी। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो, वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? भैया, राम